ये रिक्शा लिया, रिक्शा बड़ा कमाल है, ये पूरा ट्रक है, ट्रक पूरा डाला है। रिक्शा ये इसमें क्या क्या खूबियाँ ये बताता हूँ, क्योंकि एक होता है जो पैसेंजर रिक्शा होता है वो ये रिक्शा आगे से इस तरह होता है, पीछे सवारियाँ बैठती हैं, मगर ये स्पेशल बना है लोडिंग के लिए। उसके जो हैं वो टायर छोटे होते हैं, उसमें पावर इंजन कम होता है, उसमें पावर गेयर्स नहीं होते, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसमें क्या क्या हैं, और ये कितने का पड़ा है, और ये हमने क्यों लिया। इससे पहले हमारे पास वो दूसरे लोडर रिक्शे हैं, वो भी हैं हमारे पास, और ये इसलिए लिया DHF फेज़ 1, 2, 3, 4, 5 फेज़ जो हैं वहाँ पर वो रिक्शा अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर ये नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है, नंबर सबसे बड़ा जो इशू है। इसमें जो इंजन लगा हुआ है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। आप ये देखें, इसका जो इंजन है ना वही रिक्शे वाला लगा हुआ है जो कि लोडर रिक्शों का होता है, हालांकि जो पैसेंजर रिक्शा है उसमें ये वाला इंजन नहीं होता। ये 200cc इंजन है, इसमें ये रेडिएटर वगैरह का सिस्टम भी दिया हुआ है नीचे, और इसके अलावा इसमें जो खूबी है वो ये है कि ये पावर गियर दिया हुआ है। ये पावर गियर क्या काम करता है कि ये जो शाफर लगी हुई है ना, शाफर के साथ ही मोटर लगी, जब यहाँ पे इसमें जोर लगाना है पावर गियर लगाने से, इसकी शाफर जोर लगाती है आगे दिखने से। इसकी कमानियों की बात बहुत कमाल है कि इसकी डबल कमानियाँ लगाई हुई हैं, इसमें सिंगल है, इसमें डबल कमानियाँ लगाई हुई हैं। इसके अलावा इसके कमानी के ऊपर स्प्रिंग भी लगाया हुआ है। स्प्रिंग के अलावा इसकी जो ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक है, ये डिस्क ब्रेक या ऑयल प्रेशर ब्रेक काम देती है। आप देखेंगे कि डिस्क ब्रेक कहाँ है वो देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी। रिक्शा लेने की एक मेन वजह ये भी है कि जहाँ पर आमिर भाई का गोदाम है या हमारा दूसरा गोदाम है वो DHF फेज़ 5 पर है। फेज़ 5 में वो जो दूसरे लोडर रिक्शे हैं वो जाने नहीं देते, वो अलाउ नहीं, उनपे कोई केस चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पर ये वाले रिक्शे अलाउ दिए हुए हैं कि भाई ठीक है, जो बंद रिक्शा हो, नंबर प्लेट लगी हो, से वो अलाउ हैं। इसके अलावा कैंट में भी वो वाले रिक्शे नहीं जाने की इजाज़त है। ये कैंट में चला जाता है, DHF फेज़ 5, 4, 3, 2, 1 में चले जाते हैं। इसलिए ये रिक्शा लिया और रात को लिया, और ये लिया है हमने 2,70,000 रुपये में, और वैसे वो 3,00,000 का दे रहा था, नया रिक्शा मिल रहा था 3,50,000 रुपये में। तो लिहाजा ये 4 महीने चला हुआ है, जुलाई में निकला है, अभी ये 10वां महीना ख़त्म हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन समझ लें कि ये 3 से 4 महीने चला हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में। थोड़ी सी मालूमात लेते हैं जावेद भाई से। जी जावेद भाई, आज आपका पहला दिन है ये रिक्शा चलाने में, क्या रिएक्शन है, कैसा है ये रिक्शा? अच्छा, अच्छा, वो ये वो जो दूसरा लोडर चलाते हैं वो सही है, ये सही है, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, इसका जहाँ मर्जी चले जाए। हाँ, ये आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी विजिट करें कोई रोकता नहीं है, और वो वाला जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपका इसमें ये कि मेहनत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जैक नहीं है, ये मसला है ना। और इस डाले की बात ये देख रहे हैं, बहुत बड़ा डाला है इसका, 60 फुट का बहुत बड़ा डाला है, और रिक्शा भी ये मुझे वैसे लग रहा है जैसे ट्रक है, क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारे पास इससे थोड़े छोटे साइज़ में रिक्शे हैं। तो अल्लाह करे कि ये जावेद भाई अब जो है इसे बड़े तरीके से, सलीके से चलाएं, खुद भी कमाएं और हमें भी कुछ बचा के दें। तो देखेंगे अभी इसका क्या आगे प्रोसेस है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी बता दूंगा, मगर जिसने इससे पहले लिया है, अब ना जाने उसने क्यों सेल किया है, उसने तो इस पर बड़ी मेहनत भी की हुई है, बड़े ये क्या फूल बूटे लगाए हुए हैं, क्या सीनरी हैं, ये झांझरें लगाई हुई हैं, टायरों पे बेचारे ने काम किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसने काम किया हुआ है, बड़ा सेव करके रखा था अपनी तरफ से, मगर पता नहीं क्यों सेल कर दिया, अल्लाह ही जानता है। वैसे है कंडीशन बिल्कुल न्यू है अभी, इसके टायर जो हैं वो बड़े हैं, पावर वाले टायर हैं, मतलब लोडिंग वाले टायर हैं। ये इसका जो डाले का साइज़ है तकरीबन 60 फुट बनाया हुआ है, बहुत बड़ा साइज़ का बनाया हुआ है, और ये हमने वैसे यूज़ में लिया है, नया जो है वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए में मिल रहा था, ये हमें मिला है तकरीबन 2,70,000 रुपए में, और ये जुलाई में निकला हुआ है, 3 से 4 महीने चला है। तो इसने शीशे मेरे ख्याल में वो जहाज़ वाले लगाए हुए हैं, नहीं डेम्पर वाले लगाए हुए, बड़े वाले लगाए हुए। अभी जावेद भाई ये बजरी फैन बजरी लेके जा रहे हैं DHF फेज़ 2 में, क्योंकि हमारे पास पहले ये रक्षा नहीं होता था तो फिर हम ये ऑर्डर कैंसिल कर देते थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ये ले लिया है, तो अब हमारा जो ऑर्डर है इंशाल्लाह कभी कैंसिल नहीं होगा, ये बड़े कमाल की बात हो गई है।